चलो रूम में चलो। आ जाऊंगी जब आना होगा। तुम्हें जरूरत क्या थी उन सबके सामने ये सारी बातें करने की? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हें कह चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि मैंने उस्मान को किडनैप नहीं करवाया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी? हाँ तुम्हें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। जबरदस्ती यकीन नहीं करवा सकते। मैं तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें क्लियर करूंगा और यकीन दिलाने के लिए फोर्स भी करूंगा। फिर मुझे ना तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया था, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने किडनैप करवाया उसे? तुमने किडनैप करवा के मेरी तलाक नहीं करवाई तो और कौन करेगा? और किसे मेरी डिवोर्स में इंटरेस्ट था तुम्हारे सिवा? प्लीज एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो और इस झगड़े को खत्म करो। जब मुझे इतना नहीं थी कि तुम्हारी तलाक हो गई तो मैं वहां आया था, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लूंगा या अंकल को कुछ हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। अपनी घिसी पिटी स्टोरीज किसी और को सुन। तुमने ये सब कुछ अपनी जिद के लिए किया। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम्हारी बात मानी जाएगी? मेरी नरमी का गलत फायदा उठाओगी तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। खता हो जैसे।